अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैर और फिगर से होंगे। डेटी ग्रेड्स और उंगली ग्रेड का कैसे डिफरेंस देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, उंगली ग्रेड्स आर सच मैमल्स हु आर ऑन द टिप्स ऑफ देयर टूज। ये ऐसे मैमल्स होते हैं जो अपनी उंगलियों की टिप्स पर चलते हैं, उंगलियों के अगले सिरों या किनारों के ऊपर चलते हैं। जबकि इसके बरक्स डेटी ग्रेड्स और मैमल्स हु आर ऑन देयर डिजिट्स, ये अपने पाँव की उंगलियों की डिजिट्स के ऊपर या पोटों के ऊपर हरकत करते हैं चलने वाले पे। व्हाई उंगली ग्रेड्स के अंदर टूल्स आर मॉडिफाइड इनटू होल्स, इनके टूल्स या पाँव की उंगलियां होल्स सोमदार सांप के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, सोम बनाते हैं। इसीलिए उंगली ग्रेड्स को बाज बार सोमदार मैमल भी कहा जाता है। इसके बारे में अगर हम डिजिट ग्रेड्स में देखें, In that first digit usually reduces, इनका पहला digit या कोटा या तो छोटा होता है, reduced होता है, कम होता है, are completely last या मुकम्मल तौर पे गायब होता है। इसके बरक्स उंगली ग्रेड्स में third comparison हमारे पास है, it is a swift type of movement, ये तेजी से हरकत करने वाले organisms होते हैं, rapid movement इनके अंदर तय पाते हैं। इसके बरक्स अगर हम यहाँ देखें, so such mammals have greater ability to run faster than plantigrades. First of all, plantigrade देखे, plantigrades वो individual, वो mammals हैं जो पूरा पाँव जमीन पे लगा के चलते हैं, पाँव की मदद से चलते हैं। तो बात क्या है, ये plantigrade के निस्बत डिग्रीग्रेड तेज मूव करते हैं, जबकि उंगली ग्रेड के निस्बत हम इन्हें देखना चाहें ये थोड़े से तेज होते हैं, ये थोड़े से उनसे कम होते हैं, जबकि वो उनसे थोड़े मोर रैपिड होते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा रैपिड या जो स्विफ्ट मूवमेंट होती है वो इन्हीं के अंदर होती है। लेट्स से डिजी ग्रेड्स के कॉमन एग्जांपल में रैबिट्स, रोडेंट्स और कार्निवोर्स शामिल हैं, जबकि उंगली ग्रेड्स के अंदर डियर, ज़ेब्रा, काउ, गोट एंड अदर कैटल लाइक ऑर्गेनिजम्स शामिल होते हैं। शुक्रिया फ्रेंड्स।